नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आरंभ समाचार में स्वागत करता हूँ। दर्शक, मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं सिंचू पूछा हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा एक मस रैली निकला जा रहा है। मैं बता दूं कि आज यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं और 6 रीजनल पुरा गांव की जो मौजूदा MLA यानी कि श्री कमजी सिंधिसो जी को साथ देने के लिए सपोर्ट करते हुए आज इस कंस्टिट्यूंसी के काफी सारे लोग, हजारों तादाद में लोग यहाँ पहुंचा हुआ है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो यह एक खास कार्यक्रम रखा जा रहा है, मस रैली निकला जा रहा है। ये कार्यक्रम जो है यूथ इंटरेक्शन कम सोलिटरी मार्च यहाँ रखा जा रहा है, निकला जा रहा है। तो मैं इस वक्त आपको बता दूं कि जितना जो कैमरामैन से बात करना चाहूंगा, आप एक बार जितना जो सपोर्टर आज यहाँ पहुंचा हुआ है, अभी का जो मौजूदा MLA साहब को, अनुरुद्ध साहब को साथ देने के यहाँ पहुंचा हुआ है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार दिखा दीजिए। सिक्स तुरुनो ब्राउन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक ऑनरेबल MLA कमशीसी जी का, जो उनका जो समाज में जो सेवा करने का, उनका जो तत्पर्य, उनका जो लोगों को जो जो सेवा करता है, उसको लोग जो उसको प्यार किया है, उसको अपना माना है, इसलिए आज दिल से लोग आया हुआ है, जितने भी यूथ लोग। ये तो जस्ट आप लोग का जस्ट ये है, आज जो भी आया है तो कुछ ही संख्या के लोग आया है, लेकिन जब आएंगे आप लोग को मालूम चल जाएगा कि टीम कुमसी का कितना यूथ है। तो मैं एक चीज अरुण भूमि के माध्यम से, और मैं एक ये भी कहना चाहूंगा, कुछ दिन पहले हमारे समाज के लोग, हमारे मिजी समाज के लोग, साजोलंग समाज के लोग जो कह रहा था कि मिजी समाज टीम कुमसी में नहीं है, वोटर सपोर्टर नहीं है बोल रहा है, जूता अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। हम लोग क्या गुड़िया तो नहीं है, हम लोग खिलौना नहीं है, वोटर्स वाला है। आप लोग को जब जनरल रैली में हम लोग बताएगा कि हमारा टीम कुमसी सपोर्टर है, मिजी संख्या कितना है, 80% मिजी वोटर्स, मिजी सपोर्ट जो है कुमसी का और है। इसलिए मैं उन सीनियर्स लोग को, मैं उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जूता अफवाह फैला के मत घुमाइए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। आपको ग्राम रैली थी, जिस दिन को मालूम चलेगा तो आप लोग शर्म आएगा उस समय में। ये हम लोग जितने भी जितने भी यूथ है, ये एक सोलिडरी मार्च है हम लोग MLA साहब का प्रति, जो उनका जो लीडरशिप में 15 इयर्स जो हम लोग का सिक्स ब्रा कौंसिल में जो डेवलपमेंट, जो उनका काम का तरीका, और जिस हिसाब से वो एक सबका चाहता नेता बन के बैठा हुआ है सिक्स ब्रा कौंसिल में, तो उनको हम लोग बदले में क्या दे सकता है? बदले में वही दे सकता है जो 5 साल के बाद जो उनका जो रेन्यू करने जो समय आता है, तो उनका जो दिया वाला चीज़ का उसके बदले में, उसका प्यार का बदले में, उसका डेवलपमेंट का बदले में हम लोग एक ही दे सकते हैं, वो 5 मिनट 2 सेकंड जाके बटन दबा देना। तो ये जितने भी यहाँ आज देख रहे हैं आप, या मैं जितने भी यूज देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर एक समाज से नहीं, या मैं हर समाज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो इन सब का सोलिडरी एक सपोर्ट है। इसमें कोई MLA साहब का तरफ से कोई डायरेक्शन या पार्टी का तरफ से डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग जस्ट एक सोलिडरी मार्च है MLA साहब का प्रति प्यार बदले देने के लिए। तो जितने भी यहाँ आए हैं, सभी अपना दिल से MLA साहब के लिए प्यार देने के लिए आए हैं, तो ये सोलिडरी मार्च इसका जस्ट उनको सपोर्ट के लिए है। आज हम लोग यहाँ आए हैं, ये जो है हम लोग विलिंगली हम लोग जो है दिल से हमारे ऑनरेबल सर को सपोर्ट देने के लिए आया है, और ये भी तय है कि 100% जो जीत हमारा ही है, और साथ में आज जो यहाँ जो युद्ध दिखाई दे रहा है वो सब दिल से आया वाला है, किसी को कर्ज के लाया वाला नहीं है, और किसी को जोर जबरदस्ती खींच के लाया वाला नहीं है, जो भी आया है दिल से आया है। और सच बात ये है कि
कुछ अभी कुछ टीम लोग जो है 100-200 युद्ध दिखा के खुद को लगता है कि मेरे पास बहुत युद्ध है, ओरिजिनल युद्ध जो है आज दिखा देगा। इकट्ठा इसलिए हुआ कि हम लोग हमारे अनुरूप सर को दिल से प्यार करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, इसे दिल से उसको साथ देना है और 100% विन भी हमारा है, ये फाइनल है। और साथ में मेरा एज ए यूथ लीडर मैं हमारे अनुरूप सर को ये कहना चाहूँगा, आप डरिए मत, आप चिंता करना नहीं है, आपका पीछे हम लोग हैं, हम लोग शुरुआत से लेकर एंडिंग तक आपको जीतने के लिए हम लोग आपके साथ है। और एक मैसेज देना चाहूँगा, हमारा जो तेंजिंग भैया है, जो तेंजिंग निमाग्लो, उसे मैं ये दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जो अभी 20-30 crore जो फेंक रहा है वो फेंकना छोड़ दीजिए, आपसे होने वाला नहीं और जीतेगा भी नहीं। मेरा एक दिल से रिक्वेस्ट करता है कि आपका जो 20-30 crore है उसे कोई ट्रस्ट में दीजिए, या कोई अनाथ आश्रम या कोई स्कूल में स्पॉन्सर कीजिए, वो आपके लिए बहुत धर्म का काम भी होगा और आपका उसमें आपको प्यार भी मिलेगा। और पॉलिटिक्स में तो अभी इस वक्त में दिल से बोलते हैं हम लोग एक है, एक ही रहेगा, और आप ये सोचो भी मत कि आपका जीत होगा, फाइनल है, ये जीत हमारा है। और ये आज का जो इकट्ठा हुआ है ये जो है जनरल नहीं है, ये जो सिर्फ युद्ध हम लोग ही ऑर्गेनाइज किया है। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी युद्ध आए हैं जो दिल से चाहने वाला है हमारे अनिल सर को। और आने वाला जो जनरल जो रैली होगा उसमें देखिए असलियत क्या है ना। थैंक यू सर। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से कई बार मैंने मीडिया ब्रीफिंग में ये कहते हुए देखा है कि थुमसी सिटी से जो है 6 regional program के लिए कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया, ऐसा कहते हुए मैंने कई बार सुना है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन आप देना चाहेंगे? जो कहता है इन लोग आज शायद अंधा होता होगा, इसलिए इन लोग जबरदस्ती ब्लाइंडली बोला कि डेवलप नहीं हुआ है। अच्छा, बिफोर 15 years पहले क्या था, अभी क्या है, सब दुनिया देख रहा ना, जो चीज को समझते हुए आज का दिन मेजोरिटी वन साइड है भाई, इसलिए तो सपोर्ट कर रहा है कि वो डेवलपमेंट क्या है। और स्पेशली बार बार ये बोल रहा है कि हम लोग अभी के समय में ऐसे बस्ती नहीं है जहां सड़क नहीं पहुंचा है, पहले में आपको चावल माता से बुक के खाना पड़ता है, इमरजेंसी में आपको हम लोग खंडा में लेके जाते हैं, उस समय आधा रास्ते में मर जाते हैं। आज का दिन वो जगह नहीं है, आज का दिन में ऐसे जगह नहीं है जहां सड़क नहीं पहुंचा है, सही सलामत सब पहुंचा है। और इंस्पेक्टर बोलो, इतना सारा इंस्पेक्टर बना के गया है, उसको हम आज यहाँ बताएगा तो सुबह हो जाएगा, इसलिए वो सब हम बताना जरूरी नहीं पड़ता है। वो लोग बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ नहीं हुआ, हर इशू तो बनाता ही है, लेकिन चीज को समझ के सही को इशू बनाने से, ठीक है, मीनिंगलेस में इशू बना के फायदा नहीं है, उसे कुछ होने वाला नहीं है। आज का डेट में आपका पब्लिक अंधा नहीं है, पब्लिक बुद्धू नहीं है, पब्लिक सब चीज को समझता है, डेवलपमेंट क्या हुआ कि नहीं हुआ है। सर आपका कितना परसेंट लगता है कि इस बार जीत कम से आपका पक्का है? अभी आगे भी बता चुके हम 95% तो वी हैव ओली देवी ना, हमने ओली दे जीत चुका है, फिर भी ठीक है डेमोक्रेसी है, उसको भी हम मना नहीं कर सकता है, अभी कीजिए, लेकिन फाइनल है आपका, हार तो निश्चित है, जीत हमारा ही होगा और ये फाइनल है। और लास्टली आगे जो बार बार बोल रहा है, आपका करोड़ का पैसा को हवा में जाने मत दीजिए, कुछ लोग 4-5 लोग जो जबरदस्ती बरकाव में अपना कुछ इंडिविजुअल फायदा के लिए तेंजिंग लोगों को ही पूछ के आप करने की करना है, नहीं तो इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा ना, इसलिए मैं जबरदस्ती इसको पिंच लगा रहा है कि आप जीत करना ही करना है, लेकिन ये फाइनल है, जीत तो कभी होगा ही नहीं। आपका जो पैसा है उसे कहीं ट्रस्ट में रखिए, या अपना जो बिजनेस है वहीं में लगाइए, ये सब मैंने लगा कि फायदा नहीं है।